जैसे अपने देश का सेवा करना है, टू वांट योर कंट्री टू बी फ्री। नेशनलिज्म का मतलब है वांटिंग योर कंट्री, पेट्रियोट, या टू हैव पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स द कंट्री। वेरी गुड, ठीक है। नाउ नेशनलिज्म इंडिया मतलब टू हैव पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स इंडिया। ऑब्वियसली महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, where he had successfully fought the racist regime with the normal method of mass agitation, which he called satyagraha. The idea of satyagraha emphasized the power of truth and needed to search for the truth. It suggested that if the cause was true and if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. So ye lesson chalu hota hai apne bapu se, that is Mahatma Gandhi. तो महात्मा गांधी एज वी ऑल नो वो साउथ अफ्रीका गए थे अपने लॉयर का पढ़ाई खत्म करने को, एंड आफ्टर ही वाज डन स्टडिंग द लॉयर का ही टुक पार्ट इन देयर फाइट अगेंस्ट रेसिज्म। साउथ अफ्रीका में रेसिज्म का बहुत बहुत इशू था, क्योंकि क्या करते थे जो अफ्रीका के लोग थे उनको स्लेवरी के लिए उठा के लेके आते थे, तो उसके जो झगड़ा था उसमें महात्मा गांधी वॉज अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। महात्मा गांधी स्टार्टेड दिस मूवमेंट जिसने उसका नाम था सत्याग्रह। ओके, नाउ व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह मींस ट्रू, सत्य मतलब ट्रू, सत्यमेव जयते, देखते ना, सत्य मींस ट्रू, ठीक है, एंड ग्रह मींस द फाइट फॉर द ट्रू, ठीक है। तो महात्मा गांधी बोलते कि अगर तू किसी चीज के लिए लड़ रहा है और वो लड़ाई सच है, ठीक है, वो लड़ाई में कुछ सच है, तो तेरे को मतलब वायलेंस का यूज करना जरूरी नहीं है, तू नॉन वायलेंस से भी जीत जाएगा, अनलेस अंटिल तू सच्चा। अगर तू ऐसे बीच में ऐसे ही टोक के आ रहा है तो तू नहीं जीतेगा, पर अगर तू सच्चा है और तेरे को मालूम है कि तू जिसके लिए लड़ रहा है उसमें उसमें दम है, तो तू जिसके लिए भी लड़ रहा है वो कामयाब होगा, दैट विल बी सक्सेसफुल। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? ओके, एंड तुम लोग ये जो है, ये जो है ना ऐसा चीज जो टेक्स्ट बुक में आता है वो मार्क कर सकता है, इसमें पूरा टेक्स्ट बुक ही डाला है मैंने, ठीक है, ऐसा एक भी नहीं टेक्स्ट बुक पर नहीं है। तो व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1950, ठीक है। हाँ कल्पराज बोल सर, मेरे अच्छा माइक ऑन है, ठीक है। तो नो वरी, तो ऐसा तुम लोग अंडरलाइन कर सकते हो, अगर तुम्हारा टेक्स्ट बुक रहेगा तो अंडरलाइन करो, ये सब एमसीक्यू लाते हैं। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर द फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि पिछले साल क्या हो गया था, पिछले साल क्या बोलते हैं जो क्वेश्चन है वो डिक्रीज कर दिया था, तो पिछले साल जो ये चैप्टर था, ये चैप्टर से मतलब ऑलमोस्ट 9 या 10 मार्क के क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, जो मेरे बच्चे ने सीबीएसई के स्कूल के प्रीलिम्स दिए थे ना, उसमें 9 या 10 मार्क के आए थे, तो ये उतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वी गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस कुड बी डन, हाँ कल्पना कर। तो सर इसमें कोई नोट्स नहीं है ना, मतलब तो एक्स्ट्रा लिखा नहीं, अगर अगर रहेगा तो मैं दे देगा, क्योंकि जो भी मेन नोट्स है ना ये पूरा टेक्स्ट बुक डाल दिया रे मैंने, तो जो मेन नोट्स है वो तुम लोगों को टेक्स्ट बुक के पिछले नोट्स में, इसलिए मैं अभी नहीं लिखा रहा। अगर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मेरे को लग रहा है कि जो रहेगा तो मैं तुम लोग को लिखा देगा, बाकी तो ये देखना, महात्मा गांधी बिलीव दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस को यूनाइट, ये तो तुम लोग को आता ही है, तो ये लिखा के फायदा नहीं, ये सब तुम लोग को आता ही है पहले से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं लिखा देगा तुम्हें, ठीक है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर, पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी पर्सुएडेड टू सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायंफ। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियन। सो महात्मा गांधी का एक ही चीज था, उसने बोला, महात्मा गांधी वाज अ सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी बोला कुछ भी हम लोग को चाहिए, आप लोग बिना झगड़ा करे जी सकते, मतलब मारा मारी नहीं करना है आप लोग किसी से, ठीक है। थ्रू आउट द हिस्ट्री तुम लोग जितना भी महात्मा गांधी में पढ़ेगा, महात्मा गांधी के बाद तुम लोग को एक ही वर्ड आएगा, नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी डिड नॉट लाइक वायलेंस एट ऑल, ठीक है। नाउ व्हाट इज नॉन वायलेंस? महात्मा गांधी बोला कि अगर हम लोग जो हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं, अगर हम लोग उसके आंखों में हम सच्चे बन जाए और उसको सच दिखाए तो वो बदल जाएगा, ऐसा महात्मा गांधी सोचता था, ठीक है। तो महात्मा गांधी बोला कि जिंदगी में हम लोग कभी भी मारा मारने का जरूरत ही नहीं, हम लोग प्यार से भी किसको समझाएंगे तो लोग समझ जाएंगे, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। ही ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीपल टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव
plantation system. Then in 1917, he organized a satyagraha to support the peasants from the Kheda Issue Gujarat. So, abhi dekh, Mahatma Gandhi, South Africa se India, Mahatma Gandhi ne bola ki India ka halat South Africa se bhi zyada gaya Gujarat. ठीक है, महात्मा गांधी ने बोला कि आई शुड डू समथिंग, अगर मैं साउथ अफ्रीका में लोगों का मदद कर पा तो मैं इंडिया में भी अपने लोगों का मदद करना चाहिए. सो व्हाट डिड महात्मा गांधी डू, महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स. सबसे पहले अभी तुम लोग को एक ही सत्याग्रह मालूम है, सॉल्ट सत्याग्रह, वो सबसे बड़ा था. बट स्टार्टिंग में महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज स्मॉल सत्याग्रह. तो पहला सबसे सत्याग्रह था किधर था, चंपारण बिहार, और किसके लिए था, पेजेंट्स. पेजेंट्स मतलब कौन, जो फार्मर लोग रहते हैं ना उनको पेजेंट्स बोलते, जो गरीब फार्मर रहते हैं उनको पेजेंट्स बोलते. एंड दे आर स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम. ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम वो था जब ब्रिटिश के रूल का अंडर, तो ब्रिटिश था क्या करता था, वो फार्मर लोग को एक ही क्रॉप उगाने को बोलता था. ठीक है, एक ही क्रॉप, क्योंकि ताकि वो ब्रिटिश का क्रॉप उठा के जाके बाजार में बेच के वो पैसा कमा सके, और ये बेचारे इनको कुछ नहीं मिलता था. ठीक है, दैट्स व्हाई द फर्स्ट सत्याग्रह वाज इन चंपारण एंड बिहार फॉर द टू इंस्पायर द पेजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ प्लांटेशन सिस्टम. अभी इसमें क्या था, जो ये था ये छोटा था. ठीक है, दिस सत्याग्रह छोटा, तो ये सब 20-30 पुलिस वाले लोग, ब्रिटिश वाले लोग ने नोटिस किया रहेगा, पर इतना बड़ा नहीं था कि पूरा इंडिया नोटिस करे. ठीक है, तो महात्मा गांधी अभी ही वाज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. ठीक है, समझ रहे तुम लोग को, इधर तक समझे सबको. ठीक है, देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पेजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. तो पहला किधर चालू किया था, चंपारण एंड बिहार से, एंड बाद में किधर चालू किया, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से. ठीक है, तो बिहार से गुजरात पूरे पूरे इंडिया में धीरे धीरे फैल रहा था. तो अभी आई मीन अभी टाइमलाइन नोटिस करो, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया का भी आया था 1915 में, 1916 में उसने पहला ऑर्गेनाइज किया, और 1917 में उसने दूसरा ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह. मतलब वो टाइम वेस्ट करने पर ताकि अन्य महात्मा ने ऐसा बोला कि अरे दो तीन साल बात करेंगे, मैं अभी बैठ के नेटफ्लिक्स और चिल करेगा, नहीं. महात्मा गांधी सीधा प्रॉब्लम पे आ गए, और महात्मा गांधी ने सीधा उस पे सॉल्यूशन ढूंढना चालू किया. Affected by crop failure and plague epidemic, the peasants of Kheda could not pay the revenue and were demanding that the revenue should be relaxed. Mahatma Gandhi went to Ahmedabad to organize satyagraha among cotton mill workers. So क्या हो गया? अभी ये लोग देख रहे थे कि सत्याग्रह हो रहा, तो वो लोग को भी जानने का था कि क्या है. ठीक है, तो वो लोग ने एक इश्यू बताया कि जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पेजेंट था, वो लोग क्या हो गया, जो क्रॉप फेल हो गई, ऑब्वियसली सर लेंचो का था ना, वैसा क्रॉप फेल हो गया. और प्लेग एपिडेमिक मतलब बेसिकली अपना कोरोना वायरस का एग्जांपल है, जो एक एपिडेमिक है, तो तेजी से फैल रहा है. प्लेग एपिडेमिक मतलब ऐसा था कि पूरा जो खेत था उगरा ही नहीं था, सब खराब हो रहा था. तो ये लोग ने क्या बोला, फार्मर लोग ने जो ब्रिटिश लोग आए, अभी सब खराब हो गया, तो अभी पैसा भी नहीं हम लोग के पास. सब प्लेग तो वो होता है ना, चूहे से फैलने वाली बीमारी. बराबर, मैं एपिडेमिक के बाद, एपिडेमिक मतलब पूरे इसमें फैलता है, और प्लेग जो रहता है चूहे लोग से फैलता है. तो चूहे लोग ने पूरा जो खेत है खा के खराब कर दिया था. ऐसा सर वो क्रॉप इंडिगो था ना. हाँ, इंडिगो बराबर. तुम लोग को इतना डिटेल में दिया नहीं यहाँ पे, तो लिखने का सर, अगर को लिखने का तो लिख सकता है. ठीक है, तो क्या हो गया, आंसर में दिया था. हाँ, लिख सकता है, तो ऐसा इश्यू नहीं है. पर अभी अगर देखो टेक्स्ट बुक में दिया है तो तू देगा ना, तो फिर देखो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है ऐसा. पर अगर तू इंडिगो लिखा प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, फिर क्या हो गया, तो जो फार्मर लोग हैं वो लोग ने जो ब्रिटिश लोग को बोला, देख अभी हम लोग का पूरा क्रॉप फेल हो गया, तो हम लोग को थोड़ा टाइम दो ना, तो हम लोग से पैसा चाहिए, तुम लोग क्रॉप भी ले रहे हैं, पैसा भी चाहिए, थोड़ा टाइम दो, हम लोग देंगे. तो ब्रिटिश लोग ने माना, तो लोग ने बोला नहीं. तो महात्मा गांधी ने और उधर भी सत्याग्रह ऑर्डर किया. अभी क्या हो गया, अभी पेजेंट्स लोग को देख के, जो मिल वर्कर्स है, मिल वर्कर्स मतलब जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बेसिकली कॉटन मिल वर्कर्स, वो लोग ने भी सत्याग्रह चालू किया. सो अभी 3 साल में महात्मा गांधी ने किधर किधर सत्याग्रह किया, पहला बिहार, चंपारण एंड बिहार, दूसरा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और तीसरा अहमदाबाद का कॉटन मिल वर्कर्स. 3 साल में 3 सत्याग्रह महात्मा गांधी. ठीक है, एकदम तेजी से चल रहा था महात्मा गांधी. ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द रोलेक्ट एक्ट. और रोलेक्ट एक्ट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इंसिडेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. एनीवन हैज एनी आइडिया व्हाट इज रोलेक्ट एक्ट? नहीं मालूम. तो था ना कि लोग को ट्रायल नहीं करते थे अपना कोर्ट में, सीधा ये बराबर. तुम लोग को जलियान वाला बाग इंसिडेंट वाला में क्या था? हाँ सर, वो हाँ सर गया हूँ मैं.
ओपन बराबर से मैं भी गया सेम दिस वाज द जलियांवाला बाग वाज अ पार्ट ऑफ द रोलेट टाइम ठीक है तो क्या हो गया एम्बॉर्डर्ड विद द सक्सेस गांधी जी 1990 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलेट टाइम ठीक है दिस एक्ट हैड बीन पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटर काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर ये तुम लोग का आंसर है ठीक है ये लिख दो ठीक है इट किधर गया It gave the government enormous power and of 2 years. इसका 2 years है. रोवाल्ट एक्ट में होता क्या था? हाँ मैं वही बता रहा ठीक है. तो रोलेट एक्ट क्या रहता है ठीक है. रोलेट एक्ट एक एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था. वो एक्ट में क्या होता था जो गवर्नमेंट है उसको एकदम ज्यादा पावर मिलता था ठीक है. वो क्या कर सकता था वो किसी को भी उठा के जेल में डाल सकता था. और जेल में अगर कोई ब्रिटिश जेल में अगर कोई आदमी है जिसको ब्रिटिश लोग अच्छा ही लगते थे तो सीधा उसको मार सकता था और उनको उनको रीजन भी नहीं देना पड़ता था कि वो लोग क्यों डाले वो लोग को जेल में ठीक है. बेसिकली क्या होता है अगर 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 अभी कोई जेल में गया ना अगर तुम लोग इसने जेल में डाला तो तुम लोग अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में तो दो साल में तुम लोग का केस चलेगा. 2 साल के बाद डिसाइड होगा कि तुम लोग गिल्टी हो कि नॉट गिल्टी हो. तो सेम में तभी ऐसा होता था पर वो जो ट्रायल है वो ही निकल दिया. तो अभी ब्रिटिश को इतना पावर हो गया कि रास्ते पे जो भी चल रहा है वो लोग उसको उठा के जेल में डाल सकते हैं. तो ये था रोल एक्ट. तो ऑब्वियसली अभी इतना इतना बुरा रहेगा तो ऑब्वियसली लोग अपोज करेंगे ना. लोग अपोज किया उसके बावजूद ये लोग ने वो एक्ट पास कर दिया. महात्मा गांधी वॉन्टेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल डे. तो अभी महात्मा गांधी ने क्या बोला महात्मा गांधी ने बोला कि ये अभी हम लोग छोटे छोटे गांव में कर रहे थे सत्याग्रह अभी हम लोग पूरा नेशन में जाएंगे ठीक है. दिस वाज द फर्स्ट सत्याग्रह जो लोगों के आंखों में आया था क्योंकि नेशन वाइड था ठीक है. तो महात्मा गांधी ने ये रोलेट एक्ट के खिलाफ सबसे पहला हड़ताल मतलब क्या एनीवन हड़ताल मतलब क्या सर ये अपना मोर्चा होता है जाते मोर्चा सबसे पहला हड़ताल का भी निकाला 6 अप्रैल को. इसका वीडियोस भी है मैं तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो भी दिखाता हूं ठीक है. नहीं इसमें लिखो मत ये तुम लोगों को भेज देगा मैं टेंशन मत लो एक पीडीएफ भी भेज देगा तुम लोगों को अगर तुम्हें सब कोई टेंशन मत लो डोंट वरी. नेक्स्ट है रैलीज वो ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज वर्कर्स ऑन वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स वर क्लोज्ड अलार्म बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्कैर्ड दैट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन such as railway and telegraph would be disrupted. The British administration decided to clamp down on the nationalists. ठीक है तो अभी क्या हो गया महात्मा गांधी ने बोल दिया हड़ताल. अभी महात्मा गांधी का ऐसा कोई था क्या जो महात्मा गांधी का नहीं सुनता था? नहीं सब लोग सुनते थे. तो लोगों ने क्या कर दिया लोगों ने बड़ा ब्रिटिश छोड़ के तो लोगों ने रैली वैली सब बनाना चालू कर दिया. जो काम करते जो वर्कर्स थे वो लोग स्ट्राइक पे चले गए कोई काम पे ही नहीं आ रहा था. जो रेलवे का सब था रेलवे बंद कर दिया दुकानें सब बंद कर दिए ठीक है. इससे क्या हो गया इससे ब्रिटिश लोग डर गए बोले कि अचानक से एक बंदे का आवाज सुन के ये लोग सब डर रहे क्यों. तो ब्रिटिश लोग गुस्सा है तो ब्रिटिश लोग ने एक बड़ा स्टेप लिया. सो व्हाट डिड द ब्रिटिश लीडर्स डू ठीक है ये भी तुम लोग का आंसर है. ये लिख लो तुम लोग ये लिख लो जो बोल्ड में लिखा ना नीचे लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज पेड from entering Delhi. On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession by provoking widespread attack on the bank. Post offices and railway station, martial law was imposed and General Dyer to command. So what did he do? Now British ne ye jo India ne hartal kiya uske opposing mein kya ke jo local leaders the unko Amritsar se utha liya utha ke seedha jail mein dal diya aur Mahatma Gandhi ko Delhi enter karne hi nahi diya. महात्मा गांधी का सबसे मेन एरिया कौन सा था दिल्ली साबरमती आश्रम दिल्ली में और उसको उधर एंटर करने ही नहीं दिया. तो उसको महात्मा गांधी को दिल्ली से बाहर ही रखा और दिल्ली में जो भी लीडर्स थे लीडर्स को उठा लिया. अभी लोगों किसका सुनना पड़ेगा ना. अगर लोग कोई लीड करेगा तो वो लोग काम कर सकते. तो जो लीडर था उनको उठा लिया और जो मेन लीडर था उसको दिल्ली में एंटर आने को ही नहीं दे रहे थे ठीक है. द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन जो अमृतसर में जो पुलिस था वो लोगों के ऊपर सीधा गोली मारने लगे क्योंकि ये लोग सीधा मोर्चा उठा रहे थे ठीक है. इसके वजह से क्या हो गया इसके वजह से लोग के मन में डर पैदा हो गया और एक नया जनरल आया था कमांड दैट वी नोन एज जनरल डायर. तो ये नाम है जनरल डायर बहुत बहुत अच्छे याद रखो जनरल डायर तुम लोग को बहुत बार आएगा हिस्ट्री
ठीक है, तो इसके वजह से तो अभी तुम लोगों ने देखा रोलेक्ट एक्ट आया, रोलेक्ट एक्ट के ऑपोजिट में इंडिया ने क्या किया, हड़ताल किया, तो वो हड़ताल के ऑपोजिट में ब्रिटिश लोग ने क्या कर दिया, लोकल लीडर को उठा के गांधी जी को दिल्ली के बाहर फेंक दिया और थोड़े थोड़े दो तीन लोगों को गोली मार दिया, तो लोग के मन में डर बैठ गया, इसके वजह से क्या हो गया, जो लोग थे वो लोग ने वापिस अपने काम पे जाना चालू कर दिया। इधर तक सामने एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर, ठीक है लिख लो। उधर बारिश गिर रहा है कि ये धूप है, धूप है बहुत, इधर भी देखना था धूप के साथ, सर पहले थोड़ी सी ये नीचे था फिर बाद में करके ऊपर आ गया सर, ऐसा ब्राइटनेस बढ़ गई। तुम लोग स्कूल का चल रहा है जून 20 ना, तुम लोग बोला 21 जून, एक सेकंड और का तुम लोग देखो, अब मैं चार का देखो हो गया, चालू हो गया स्कूल तेरे, तो हमने कितना बजे रहता है फिर तेरा स्कूल, स्कूल कितना बजे रहता है तेरा? मेरा सर 8:30 से लेकर 2 बजे, कितना टाइम है स्कूल में आने का समझ सकता है, ऐसा लैपटॉप के सामने या पीसी के सामने बैठने को बहुत ये होता है, तो जरूरत रहेगा तेरे को पेट दुखने लग जाती है बहुत सर, कैमरा बंद करके सो जाने का ना, ऐसा भी नहीं कर सकते वो लोग, नोट भेजते हैं उसके बाद असाइनमेंट सेक्शन में वो से सेंड कर देते हैं, मम्मी को कॉल जाता है, हम लोग को एक एक लेक्चर में अटेंडेंस मिलती है, देनी पड़ती है कॉलेज में, तो तुम लोग को हर हाँ एक कॉलेज में तुम लोग को हर लेक्चर में होता है, स्कूल में कैसा होता था दिन के स्टार्टिंग में करते ना, कॉलेज में तुम लोग को दिन हर लेक्चर में रहता है। सर हो गया, लिखे लिखे ठीक है, आराम लिखे आराम, ये चैप्टर तुम लोग को समझना चाहिए तो उसको टाइम लगे चलेगा। सर मैं थम ऐसा स्मूथ हो गया है लिखते लिखते, क्या क्या थम स्मूथ हो गया लिखते, अच्छा ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस हो रहा है तेरे को लिखते लिखते, अरे मृणाल तेरे पास एनालॉग है क्या खेलने के लिए, मतलब जो पीएस का एनालॉग रहता है ना, PS4 PS का ऐसा, हाँ अरे वो रे ऐसा रिमोट रहता है ना कंट्रोलर हाँ, नहीं है सर पीसी के लिए क्या, मेरे को चाहिए जा रहे पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा वाला लूँ, मैं वायर वाला लूँ कि चार्जिंग वाला लूँ, तो मेरे को आधे लोग बोले वायर वाला ले, हाँ वायर वाला लेंगे तो उसका वायर का प्रॉब्लम होगा पर वो चार्जिंग लगाने नहीं पड़ेगा, चार्जिंग वाला लेंगे तो उसका चार्जिंग का प्रॉब्लम बराबर हो, ना भी गेम खेलता तो सब गेम डाउनलोडेड है पर खेलता तो एक भी नहीं है मैं, तो मैं जो डाउनलोड किया वो खेलता हूं मैं सर, क्या क्या कलराज क्या हो गया सर, हां सर आप सच बोल रहे थे सर एनाबेल वो का आ गया पार्ट, आज मैंने भी कल देखा आ गया, अरे किधर किधर देखा तुम लोग ने, मेरे को भी बोलना, मेरे को ऑनलाइन मैं लिंक भेजता हूं, मैं लिंक भेजता लिंक भेज दिया मेलिंग में, आराम से रात तक भेजूंगा, ठीक है नाउ वी कम टू द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट, ओके द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, On 13th April, the infamous Jallianwala Bagh incident took place. On that day, a crowd of villagers had come to Amritsar to attend a fair gathering. So, Jallianwala Bagh, Bagh मतलब क्या एक garden type था, ठीक है? तो एक ऐसा एक round circle था, मैं तुम लोगों को drawing करके दिखाता हूँ, ऐसा एक round circle था, और उसमें उसमें क्या था ना, ऐसा बाजू में building है, देख तुम लोग देख सकते हो, यहाँ भी जा जाए तुम लोग, ध्रुव भी है ना, ध्रुव और कल्पन में कोई दोनों में से कोई गया, मैं भी गया पे, ठीक है, तो ऐसा बिल्डिंग था और बीच बीच में ऐसे एक बावड़ी था, कुआ था, वेल था, और इधर एक झाड़ था, ऐसे झाड़ था, इतना गंदा झाड़ नहीं था, मेरा ड्राइंग गंदा है, और झाड़ के बाजू में ऐसे लोग ऐसा घूमने के लिए आते थे, तो क्या हो गया था, ऐसे ही लोग घूमने के लिए आए थे बाहर से, बहुत फेमस जगह था, मतलब लोग घूमने के लिए आए थे बाहर से, जो गाँव वाले लोग थे वो बैठे थे, उसे बात कर रहे थे, फैमिली टाइम था, लोग गार्डन में घूम रहे थे, छोटे बच्चे थे ऐसे, तो
ये जनरल डायर है ना, उसको एक ब्रिलियंट आइडिया है। उसने बोला कि हम लोग एक कुछ ऐसा एक इवेंट करेंगे, कुछ ऐसा सीन करेंगे जिससे लोगों के दिमाग में हम लोग के लिए बहुत बड़ा डर डर आ जाए। तो जो जनरल डायर है, जो जनरल डायर है, ही एंटर द एरिया और उसने सब एग्जिट्स को ब्लॉक कर दिया। इधर से भी लोग बाहर निकल सकते थे, ये देख इधर अगर तुम लोग ये साइड देख सकते हैं, ये रियल ऐसा है। तो ये जो एग्जिट से ये सब जनरल डायर ने ब्लॉक कर दिया, इधर का भी दो एग्जिट था जनरल डायर ने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, लोगों ने ब्लॉक कर लिया तो लोग जो है वो चौंक गए, बोले कि ये क्या कर रहे हैं बनना ऐसा, हम लोग को चुपचाप बैठा। ऐसा भी नहीं कि वो लोग मोर्चा वोर्चा निकल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, वो लोग चुपचाप बैठे। तो लोग भी सोच रहे कि ये क्या कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो लोग खड़े होके देखने लगे। इसने क्या किया, इसने पूरे आर्मी को, इंडियन लोग, ब्रिटिश आर्मी में इंडियन लोग थे, आर्मी को खड़ा किया लाइन में और लोग देख रहे, लिटरली लोग देख रहे थे ये क्या कर रहे हैं लोग। ठीक है, एंड उसने ऑर्डर दिया ओपन फायर का। ठीक है, उसने लिटरली ओपन फायर का ऑर्डर दिया। अभी जो ऑडियंस था उसमें बच्चे थे, लेडीज थी, ओल्ड आदमी थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन लोगों ने कुछ गलत किया था क्या? नहीं। और ओपन फायर में लिटरली उसने बोल दिया, तो सब इतना ओपन फायर, अभी ऑब्वियसली इतने हजारों लोग थे, लेकिन हजारों लोग थे तो लोग ऑब्वियसली भागे गए ना, भागे एक दूसरे, तो आधे आधे लोग गोली लग के मर गए, आधे लोग एक दूसरे के ऊपर पैर लग के मर गए, कुछ लोग ये जो कुआ है कुएं के अंदर कूद के मर गए। देखिए इतना इतना ये था, जैसे ही खत्म हो गया ना, उसमें पूरा खून का नदी, खून के नदी बह रहे थे वहां पे। ठीक है, और जब इसको पूछा गया, जब जनरल डायर को पूछा गया कि तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि मुझे लोगों के मन में डर बिठाने का था, इसीलिए उसने इतने सारे लोगों को मारा। ठीक है, दिस इंसिडेंट इज नोन एज द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट एंड इट इज स्टिल वेरी क्लियर। लाइक ये इंसिडेंट ऐसा एक इंसिडेंट था जिसके कोई भूल नहीं पाया ऐसे इंसिडेंट को। ठीक है, जलियांवाला बाग ये उसका थोड़ा मिनिएचर फॉर्मेट, अगर तुम लोग देख सकते हो। वो जो जनरल था वो ब्रिटिश का था ना? ब्रिटिश का जनरल था, ब्रिटिश का। और ये वो बाग था, अगर तुम लोग देख सकते हो, ये जलियांवाला बाग अपना, तुम तक फोटो दिखाता अभी कैसा दिखता है, एक सेकंड पहले ये खत्म करने दो। अभी पूरा अलग हो गया, अभी पूरा अलग हो गया, मैं भी गया। ठीक है, एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक द स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन, बिकॉज़ ऑब्वियसली इतना बड़ा इवेंट था, इतना बड़ा चीज हुआ, तो ऑब्वियसली लोगों को बुरा लगा, उनके लोग मरे फॉर नो रीजन एट ऑल। तो ये सब पूरे दुनिया को मालूम पड़ गया। तो जो कॉमन लोग थे वो लोग सब पुलिस स्टेशन पे अटैक करने लगे, पुलिस लोग को मारने लगे, कोई भी पुलिस लोग को, जो लोग थे भी नहीं, जिसने गोली चलाया भी नहीं, वो लोग को भी मारने लगे। ठीक है, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली लाठी चार्ज किया, सबको मारने लगे, ऐसा बहुत मारा पीट हुआ। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने बोला कि जो ये था, क्या बोलते, जो मूवमेंट था वो नॉन वायलेंस था। ठीक है, और तभी जैसा ही वायलेंस चालू हो गया, महात्मा गांधी ने बोला कि बंद करेगा, तो महात्मा गांधी ने तभी कॉल्ड ऑफ दी नॉन वायलेंस मूवमेंट, तभी उसने जो पहला हड़ताल था उधर वो बंद कर दिया। समझा मृणाल जी को? नहीं समझा गया तेरा ऐसा पेशा सत्य देखे, समझा? अच्छा, धूप है जलियांवाला बाग इज अ वेरी फेमस इंसिडेंट, तुम लोग को समझा एटलीस्ट कैसा उसका स्टोरी, समझा तुम लोग को कल्पराज मृणाल? यस सर, समझा। अमृतसर, पंजाब अमृतसर में मैं नहीं कभी गया सर। देखो अभी दिखा था मैं कैसा दिखता है, अभी वो ये हो गया, क्या बोलते हैं, लोगों के लिए देखने के लिए जगह हो गया, जैसे स्टार्टिंग में जलियांवाला बाग स्टार्टिंग में ये मूवी, एक मूवी बना है इस पे, तुम लोग मूवी देख सकते हैं, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट का मूवी, तुम लोग को वीडियो भी दिखा देते एक सेकंड। सबके बच्चे लोग को भी दिखा रहा था, वो तो भी रखा था, ये जनरल डायर था। ठीक है, तुम लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? मेरी आवाज नहीं आ रही। अरे हाँ, एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही। And that is why the Mahatma.
अभी आ रहा है आवाज? हाँ सर आ गया। तो देख, तो ये जो जलियांवाला बाग पड़े, ये देख, ये जनरल डायर है, बहुत ग्लिच हो रहा है सर। अरे वो स्क्रीन शेयर की वजह से होगा ही, वो क्वालिटी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जनरल डायर था, और ये जो एग्जिट था, ये देखिए जो एग्जिट दिख रहा है तुम लोग को, ये सब एग्जिट उन लोग ने बंद कर दिया था। ठीक है, देखा अभी पूरा आर्मी को बुला रहा है वो आगे। ठीक है, ये देख खुद अंदर जाता है, देखिए इधर सब सब लोग चुपचाप बैठे, कुछ नहीं किया। अभी देख लोगों ने नोटिस किया कि वो आर्मी को लेकर आया, चुपचाप बैठे लोग, ऐसा कुछ झगड़ा वगड़ा भी नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे वहां पे लोग। और ये आके आर्मी को आता है, अभी देख इसके आर्मी, आर्मी में तुम लोग नोटिस करो सब इंडियन लोग ही आर्मी में। आवाज बंद कर दी, दिख रहा है ना स्क्रीन? अरे जी तुम बोला ग्लिच हो रहा था ना, तो सी आवाज ही हो रहा था ना, वीडियो नहीं हो रहा था। देख सब लोग खड़े हो गए, बंदूकें तान के रखती है और सीधा उसने ओपन फायर का ये देख। We must have the courage to take their anger. Cavalry major. ने बंदूक तान लिया वो लोग ने, बच्चे का आवाज आ, देख बच्चे का आवाज आ तुम लोगों को। Should be a sure warning, sir. They've had their warning. No meetings. देख बच्चे लोग नीचे मर रहे, जमीन पे मर रहे। तो वेल वाला किधर है? देख रास्ता सब एग्जिट वो लोग ने सब बंद कर दिया था, जॉम्बी जैसा लग रहा है। ये देख ये वो कुआ था, ये वो कुआ था आया। ये देख ये कुएं के अंदर लोग लोग कूद के अपना जान बचा रहे थे, पर ऑब्वियसली वो मर ही गया। तो अंदर पानी नहीं था क्या? नहीं नहीं अंदर कुछ था। ऐसा ऐसा जाके सब लोग मरे। ठीक है सर, मैंने तो देखा कि मिल गया। यस सर, मैंने तो देखा कि ऐसा एक गोली शूट हुई, 100 लोग ऐसे ही सो गए। हाँ अरे वो मूवी था ना, इसलिए वैसा दिखाया था। पर इतना इतना बड़े स्केल में हुआ था, दिस वाज द फर्स्ट लाइक हिटलर का मोमेंट होगा, मतलब बिना बिना कारण वो नॉर्मल लोग को मार रहा था। ठीक है, व्हाइल रोलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइडस्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड टू मोस्ट सिटीज एंड टाउन। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड to launch a much broad based movement in India that was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. One way of doing this he felt was to take up the Khalifat issue. So ye jo general Dyer ka photo, to abhi iske baad kya ho gaya? Mahatma Gandhi ne bola ki hum log jo lad rahe hum log bahut weak hai, to isliye hum log ko sab saath mein aana chahiye. To un log ko basically Mahatma Gandhi aur Dagar usko pure India ko saath pe lane ke, to iska jhagda chalu Hindu aur Muslim ka, वो लोग दोनों को साथ में लाना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने उस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश ने क्या कर दिया, ब्रिटिश ने हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक एक ये डाल दिया, बैरियर डाल दिया, और उन लोगों के बीच में झगड़ा लगाना चालू कर दिया।
तो इसके वजह से वो लोग के बीच में झगड़ा चल रहता था। पर अभी क्या हो गया, अभी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गांधी जी ने बोला कि अभी हम लोग को साथ में आना ही पड़ेगा, हम लोग साथ में नहीं आए तो ब्रिटिश लोग आराम से जीत जाएंगे, इसलिए महात्मा गांधी ने वो डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो आज इधर ही रुकते, इधर तक समझा सबको तुम लोग को, एवरीवन।